Singing India, oh, singing India. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगिंग इंडिया। तो अभी हमारे साथ हमारे 10th कंटेस्टेंट है सर्वेश। तो अभी हम इनसे इनके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो हाय सर्वेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपकी जर्नी सिंगिंग इंडिया के साथ कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी मैम सोशल मीडिया से शुरू हुई। मैं बस स्क्रॉल कर रहा था, बस यूं ही बैठे बैठे देखा, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिखा मुझे, तो मैंने उसको रजिस्टर किया। तब से मैं सिंगिंग इंडिया के साथ जुड़ा हूँ। ओके, सो आपको क्यों लगा कि आपको सिंगिंग इंडिया के लिए जाना चाहिए? क्यों लगा मैम, क्योंकि मेरे को दिखता है कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे मैं अपना जो मेरा टैलेंट है दिखा सकता हूँ। तो आप क्या अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं RFI स्टूडियोज के रिकॉर्डिंग प्रोसेस के बारे में? एक्सपीरियंस मैम बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। रॉबी सर का समझाना, अनिल सर का समझाना, बीच बीच में जो भी कुछ गलतियाँ थी उनको कैसे ठीक करना है, कैसे गाना है, समझना है गाने को, वो उन्होंने बहुत बखूबी से समझाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आप कोई ऐसा मोमेंट रिकॉल करते हैं जो रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो शूट के दौरान हुई हो? हाँ, कुछ ऐसी कुछ जगहें थी जहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत थी, तो बहुत अच्छे तरीके से रॉबी सर ने मुझे समझाया था, मुझे भी समझ आया, आगे मेरे को कुछ सीखने को मिला। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपने ऐसी क्या खासियत है जो आपको टॉप 5 तक लेके जा सकती है? खासियत तो मैं अपने आप तो नहीं मानता, बस मैं तो ये जानता हूँ मेरे को मेरा गाना गाना है, बाकी लोगों के ऊपर है, वो सुनते हैं पसंद करते हैं। ओके, तो आपकी कोई ऐसी पर्सनल हैबिट या फिर रूटीन जो आपकी सिंगिंग करियर में सक्सेस होने में हेल्प कर सकती है? सिर्फ रियाज, संगीत को लेके तो बस एक वर्ड है और वो है वो रियाज। अगर आप रियाज करते हैं तो आप आगे हैं। तो अगर आप टॉप 5 में सेलेक्ट हो जाते हैं सिंगिंग इंडिया में, तो आपको अपना फ्यूचर म्यूजिक इंडस्ट्री में किस टाइप दिखता है? इंडस्ट्री में मतलब अगर मैं फ्यूचर देखूंगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, अब तक भी जैसे अच्छा चल रहा है और सीखने को मिलेगा। अभी तक इतने अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिला, जितने भी हम सब साथी हैं, जितने भी हैं, सब अच्छा गा रहे हैं, अपने साथ साथ उन लोगों को सुनने से उनसे भी सीखने को मिलता है। आगे जैसे जैसे जाएंगे तो पता लगेगा कि एक प्रेशर क्या होता है। अभी तक हम बस अगर अपने लिए गा रहे हैं, हमको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेज का प्रेशर क्या होता है। असली गायकी आप स्टेज पर जाने के बाद फिर आधे हो जाते हैं, वहाँ पर संभालना, वो सीखना, वो बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। राइट, तो जब हम आपका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो मे बी आपको कुछ क्रिटिसिज्म मिले, तो आप उससे कैसे डील करोगे? इसका तो बस ये है कि मुझे तो बल्कि सीख ही मिलेगी, मेरे लिए तो ये सीख है कि हाँ, फ्री की राय मिल गई मुझे कि हाँ आपको ये सुधारने की ज़रूरत है, तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ। नाइस, तो ऐसा होता कि अगर आप टाइम में वापस जा सकते हैं अपने यंगर सेल्फ के पास, जब मतलब आपने एक तरीके से सिंगिंग स्टार्ट करी थी, तो आप खुद को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? अभी आपने थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया उसके हिसाब से। अगर अपने आप को मैं एडवाइस देता तो शायद समय पहले मैं जाके यही करता कि और पहले से रियाज शुरू करता तो शायद मेरा और कोई लेवल होता। सबका यही कहना है सिंगिंग में जो भी है। तो सिंगिंग इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी फैमिली का कुछ रोल है या फिर किसी ने आपको इंस्पायर किया हो? सिंगिंग इंडिया में तो जब मैं आया तब तक तो घर में नहीं पता था किसी को, पर हाँ मेरी मम्मी, मेरे डैडी वगैरह सबको पता है, और खासा मेरी मम्मी तो बहुत पसंद करती है, वो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे को, वो भी समझ जाती हैं, मतलब संगीत की भाषा में कहूँ तो जो नोट हम लगा नहीं सकते वो समझ जाती हैं। नाइस, तो एक तरीके से आपको टैलेंट एक तरीके से आपकी मम्मी से मिला है? जी, मम्मी से मिला है, पर गाते मेरे डैडी हैं। हाँ, तो हमारे जींस में जो भी गाना बजाना तो एक तरीके से मम्मी पापा, तो हाँ डैडी खूब गाते हैं, मेरी दीदी भी गाती हैं, उनके थ्रू ही मैंने गाने बजाना सीखा। Nice, nice. So, अगर आपको कोई एक वर्ड बोलना हो सिंगिंग इंडिया के बारे में तो वो क्या होगा? सच्चा संगीत। Okay. Thank you, Sarvesh. All the best.